राष्ट्रीय साक्षात्कार प्रतियोगिता प्रतियोगी क्रमांक 21। स्वरा स्वरा, आप हमें थोड़ा सा आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम स्वरा श्रीराम है, मैं 5th क्लास में हूँ। मैं संस्कार विद्यासागर ये स्कूल में हूँ। अच्छा स्वरा, आपके हिसाब से स्वतंत्रता यानि क्या? स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। अच्छा स्वतंत्रता यानी फ्रीडम। अच्छा स्वरा, जैसे आप जानते हो कि हमारे देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया, तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी शख्सियत थी जो आपको ज्यादा प्रभावित करती है? आपको लगता है कि इन सज्जन का योगदान सबसे ज्यादा था? मुझे ऐसा लगता है सावित्रीबाई फुले का योगदान सबसे ज्यादा था। स्वतंत्रता संग्राम में सावित्रीबाई फुले का योगदान कैसे सबसे ज्यादा था, बताइए। क्योंकि उन्होंने देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए। बहुत कुछ मतलब क्या किया था? उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए स्कूल चालू की, पहली स्त्रियों के लिए स्कूल चालू की थी। अच्छा कहाँ चालू की थी ये पहली स्कूल, आप बता सकते हो कुछ? हाँ, पुणे में चालू की थी वो स्कूल। अच्छा पुणे में चालू की थी वो स्कूल। अच्छा हाँ। मुझे बताइए, यदि आज सावित्रीबाई फुले होते, आज उनका अस्तित्व होता, तो आज ऐसी किस चीज में वो प्रगति करते? जैसे आज बहुत से लोग स्त्रियों के साथ गलत करते हैं, तो वो वैसा नहीं होने देते। तो क्या गलत क्या करते हैं आज स्त्रियों के साथ? उनका रेप करते हैं, या फिर बंद करके रखते हैं। चलिए ठीक है, मुझे बताइए स्वरा, यदि आप इस देश की प्रधानमंत्री बनी तो किस प्रकार के बदलाव लाइएगा आप इस देश में? अगर मैं देश की प्रधानमंत्री होती तो मैं कुछ रूल चेंज करती, जैसे कि अपने देश की प्रेयर में बोलते हैं कि इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, पर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम जाति भेद नहीं करते, और देश के लोग हिंदू और मुस्लिम या फिर कोई और हमारे जाति उनके लोगों की लड़ाई होती। तो ये रूल चेंज करने की। क्या रूल क्या चेंज करते, मतलब आप वहां जाके लिख देते कि वी इंडियंस आर नॉट ब्रदर एंड सिस्टर, ऐसे लिखते आप? नहीं, सब समझात की नहीं है, और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। तो कैसे समझाते ये बताओ ना, हम आपसे ये पूछ रहे कि कैसे? ये तो आपने बोल दिया ऐसे करते, लेकिन कैसे करते वो ज्यादा जरूरी है ना। चलिए ठीक है, आप मुझे बताइए, आपने शिवाजी महाराज के बारे में कुछ सुना पढ़ा है? सुना है। बताइए कौन थे शिवाजी महाराज? शिवाजी महाराज
मराठी थे, मीन्स मराठी के थे। मराठा, चलो ठीक है। मुझे बताइए स्वरा, आपको लगता है कि आज के समाज में कोई दिक्कत है? जैसे बड़े लोग हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाई, उनका कुछ सपना रहा होगा, है ना? तो आपको लगता है कि हम उस सपने को साकार कर रहे हैं और उन्होंने जो सपने देखे थे हम उन्हें पूरा करने में पूरी ताकत लगा रहे हैं? यदि वो देखते होंगे हमें कहीं से भी तो वो खुश होंगे कि हम लोग सही कर रहे हैं? आपको क्या लगता है इस बारे में? नहीं कर रहे वो, और उन्हें ये अच्छा नहीं होगा। आपकी आवाज कट रही है। वो कहीं से भी देख रहे होंगे तो ऐसा तो उन्हें खुशी नहीं होगी, क्योंकि हम पूरी ताकत से नहीं कर रहे हैं जो उन्होंने सपने देखे थे वो। अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए उनके सपनों को पूरा करने के लिए? क्या थे उनके सपने? उनके सपने थे कि सुरक्षित रहे और उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचे। पर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि वो लोगों को बहुत बहुत परेशानी देते हैं। लेकिन हमारा देश तो सुरक्षित ही है, क्या दिक्कत है इसमें? हमारे देश के लोग ही उन्हें कुछ लोगों को परेशान करते हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से वह नहीं होना चाहिए, है ना? ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि यदि आप देशभक्त हो तो देश की भक्ति के लिए आप क्या करते हो अपने हिसाब से? आपको हमें क्यों देशभक्त कहना चाहिए? आपका क्या रोल है? क्योंकि हम देश के लोगों के साथ अच्छे से रहते हैं। जो लोग उनको बहुत परेशान करते हैं वैसे नहीं करते हम। नहीं, मुझे आपको देशभक्त बोलना है। जैसे हर कोई बोलता है कि मैं देशभक्त हूँ, मैं देशभक्त हूँ, तो वैसे मैं आपको क्यों कहूँ कि आप देशभक्त हो? एक अच्छे देशभक्त में क्या क्या, किस किस प्रकार की क्वालिटीज होनी चाहिए, विशेषताएं? उनमें पहले तो उनके साथ अच्छे से रहना, ये सब ये होना चाहिए। फिर वो कोई जाति भेद ना करे, ये होना चाहिए। और उन और ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी तो आप छोटे हो, लेकिन जब आप 18 साल के हो गए तो आपको फ्रीडम ऑफ वोट मिलेगा, है ना? आपको आपके मत का अधिकार मिलेगा कि आप जिन्हें चाहे उन्हें दे सकते हो। तो आपके हिसाब से उन नेता में किस प्रकार की क्वालिटीज होनी चाहिए जिसे आप चुनोगे? वो उन नेताओं में ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो सबका अच्छा, सबका भला सोचे, ना कि खुद का भला सोचे वो। और वो जो गरीब लोग हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करे, उनको उनको मीन्स मारे ना पीट, लोग जैसे कि लोग मारते हैं उन्हें जो गरीब है, तो वो सब ना होने दे। ये पता कैसे करोगी?
ये तो आपने बोल दिया, लेकिन पता कैसे करोगे आप, बताइए वो नेता अच्छा है। जब वो काम करता है तो वो समझ में आता है कि मींस वो ऐसा कर रहा है लोगों के साथ। ठीक है स्वराज, स्वराज जैसे पानी बहुत आ रहा है और बाढ़ एक विशेष समस्या है हाल ही में, तो बाढ़ के नियोजन के लिए क्या किया जा सकता है सरकार द्वारा? जब बाढ़ आती है तो लोगों को सुरक्षित किया जाए, और नहीं ये तो ठीक है ना, ये तो बाढ़ की बात हो गई, हमें बाढ़ को रोकना है, हमको इसका नियोजन करना है, क्योंकि ये बता के आती है, ऐसा नहीं है कि अचानक आती है, हर साल आती है कुछ जगह पर, तो सरकार इसके लिए क्या कर सकती है? ये तो बात की बात हो गई, उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाना है ना, और उन्हें मुआवजा देना, ये बात की बात हो गई अभी फिलहाल। हम बाढ़ को रोकने के लिए कुछ जगह पे और ज्यादा मीन्स ज्यादा गड्ढे के वो पानी वहां पे रख सकते हैं, डैम बनाए जा सकते हैं, है ना? हाँ। मुझे बताइए यदि आपसे पूछा जाए कि भारत को सुपर पावर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, तो आपका क्या उत्तर होगा? सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहने चाहिए, और किसी के भी साथ बुरा व्यवहार ना करें, और सब मिलजुल कर रहने चाहिए। नहीं तो इससे सुपर तो फिर हमारा देश, इससे सुपर पावर कैसे बन जाएगा देश? सब एक ही चाहते होंगे तो फिर भारत सुपर पावर बन जाएगा, मीन सभी सभी एक ही काम में लगेंगे। तो किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं? जब बारिश आती है तो वो ज्यादा बारिश भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि फिर मीन्स वो जो मेहनत करते हैं वो पूरा पानी में चला जाता है इसलिए, और ज्यादा धूप भी रही तो फिर वो जो खेत में लगाते हैं वो पूरा पूरा मर जाता है, तो फिर ज्यादा धूप भी नहीं चाहिए उनके लिए और ज्यादा बारिश भी नहीं। बहुत अच्छे, मुझे ये बताइए स्वरा, सरकार क्या कर सकती है किसानों की समस्याओं पर निवारण लाने के लिए? वो उन्हें कुछ मदद कर सकते हैं, मींस उन्हें पैसे देकर उनकी मदद कर सकती है सरकार। मुझे बताइए भ्रष्टाचार कैसे खत्म किया जा सकता है? ठीक है, मुझे बताइए आतंकवाद कैसे खत्म किया जा सकता है? आतंकवाद हम जो पुलिस सिक्योरिटी है वो और ज्यादा बढ़ानी चाहिए, और उनको और कड़ी सजा देने की मांग की जाए, और वैसा ना ही हुआ तो फिर एक लिए कहा जा सकता है। अच्छा, मुझे बताइए कि
जिस प्रकार से आपने बताया कि आतंकवाद को कम करने के लिए पुलिस कम्युनिटी को बढ़ाना चाहिए, सही समझ पाया हूँ मैं? हाँ। तो कैसे बढ़ाएंगे, मतलब समझो ज्यादा से ज्यादा पुलिस भर्तियां करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, मतलब ऐसा? हाँ। उससे ज्यादा लोग रहेंगे तो फिर सभी तरफ वो नजर रख सकेंगे कि कौन चोरी वगैरह कर रहा है, उनकी तरफ नजर रख सकेंगे। ठीक है, आपके आदर्श कौन है? आदर्श आदर्श समझते हो? नहीं। अच्छा, आदर्श मतलब ऐसी कोई शख्सियत जो आपके दिल के करीब हो, जैसे आप बता रहे थे सावित्री बाई फुले, तो क्या सावित्री बाई फुले आपके आदर्श है? हाँ। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए, ये हमारा अंतिम सवाल है कि जैसे आप अभी बच्चे हो, पांचवी कक्षा में हो, तो क्या बच्चों की भी कोई समस्याएं हैं? बड़ों की समस्याएं की हर कोई बात करता है, क्या समाज में बच्चों की कोई समस्याएं हैं? यदि वो समस्याएं हैं तो कौन कौन सी समस्याएं हैं और उस पर क्या किस प्रकार के उपाय पेरेंट्स द्वारा और शिक्षकों द्वारा और प्रशासन द्वारा लिए जा सकते हैं, बताइए। बच्चों को बहुत परेशानियां है, जैसे कि उनपे बहुत ज्यादा कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं पेरेंट्स, कभी उनके टीचर्स उनपे बहुत प्रेशर डालते हैं, तो फिर उन्हें वो सब करने के लिए टाइम ही नहीं रहता। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए एक दिन में थोड़ा थोड़ा ही उनको देना चाहिए और ज्यादा उनके पीछे नहीं लगना चाहिए, जितना उनसे होता है उतना ही करने के लिए कहना है उन्हें। बहुत अच्छी बात कही है आपने कि उनको थोड़ा थोड़ा होमवर्क दिया जाए, ना कि आप पूरा एक ही दिन में दे रहे हो। और कुछ बोलना चाहोगे इस विषय पर? ठीक है, आपने बहुत अच्छा बोला। अब जाते जाते इस 76वें स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य पर आप इस समाज को और इस देश की जनता को आपका क्या संदेश होगा, बताइए? हमें सबकी सेल्फिश न होकर मदद करनी हेल्प करनी चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बहुत अच्छे, हमें सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, हर एक देशवासियों की हमें तहे दिल से मदद करनी चाहिए। सुरा, आपने आपका बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सुरा। थैंक यू।